हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टॉसिलेशन ऑफ अल्कोहल इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई और नीट, ओके। सो सबसे पहले बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, बात समझ में आ रही है? इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा, रिएक्शंस कैसे पूछता है वो डिस्कस करूंगा, ओके। सीधा पॉइंट पे आता हूं, टॉसिलेशन ऑफ अल्कोहल होता क्या है, ओके। कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जरा देखो, अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग THCl के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, देखो H और यहां से Cl निकल जाएगा, बात समझ में आई? ये किसमें चेंज हो जाएगा, देखो H और Cl निकलेगा, ये आ जाएगा क्या, OTS, बात समझ में आ रहा है। अब देखो सबको पता होता है कि OH क्या होता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, यू नो OH क्या हो गया, एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो OH कन्वर्ट हो रहा है यहां पे किसमें, OTS में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप होता है, बात समझ में आ रहा है। लिख देता हूं यहां पे कि जो OH होता है, OH ये क्या होता है, दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप हो गया, एंड OTS, OTS ठीक है, और एक होता है OMS होता है, राइट, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो लिविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता, मान लो दिस इज, है ना, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता, तो यहां पे क्या होता, ये निकलता और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, ठीक है। बट OH क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जिससे ये रिएक्शन क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करता, बिकॉज ये क्या, एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो टॉसिलेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, इस पुअर लिविंग ग्रुप को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। सो रिमेंबर, OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ओके। एक यहाँ पे और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे राइट इस तरीके से लिया, दिस इज OH, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्या, MSCl, ओके। अब देखो MSCl क्या होता है, विल टेल यू, ओके। H और Cl यहां से निकल जाएगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा, देखो OMS, ठीक है। तो OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप और ये कन्वर्ट हम लोग हमने किसमें किया, OMS में, और OMS क्या, याद रखोगे, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहां से क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमने कोई सा भी OH ले लिया, ये रिएक्शन OH के साथ होगा, यहां पे हमने ले लिया क्या, TSCl, तो अगेन देखो क्या हो जाएगा, Cl और H यहां से निकल जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, OTS, OTS में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने ले लिया OH, OH इसका रिएक्शन हमने करवा दिया, MSCl ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज OMS। तो बात समझ में आ रही है कि टॉसिलेशन ऑफ अल्कोहल एक मेथड होगा जिसमें हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होगा इसके बाद हम लोग देखेंगे, जरा इसको आप कॉपी कर लो पहले। ओके, मिटा देता हूं मैं इसको। अब जरा देखो TSCl होता क्या है, ठीक है, TSCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो TSCl का स्ट्रक्चर होता है, मैं इस तरीके से बना दूं, दिस इज S डबल बॉन्ड O, O Cl एंड हियर CH3, ओके। इसका नाम क्या हो गया, पैराटोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, टॉलिन मीन्स ये पूरा ग्रुप आ गया, टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चे, इसी को बोला जाता है क्या, TSCl। तो वहां पे TSCl लिखा होता है, बेसिकली क्या होता है, TSCl टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, बात समझ में आ रही है। और MSCl क्या होता है, ठीक है, वहां पे S डबल बॉन्ड O Cl, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, दिस इज मिथाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, मिथाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, MSCl। तो क्या बात समझ में आ रही, MSCl क्या हो गया, TSCl क्या हो गया, TSCl इज नथिंग, इट इज अ टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, मिथाइल सल्फोनाइल क्या होता है, MSCl क्या हो गया, दैट इज द मिथाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बात क्लियर हो रही है, मिटाने की इजाजत जो। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, ठीक है, तो कहीं पे ये अल्कोहल आ गया मेरा OH,
और यहां पे अगर लिखा हुआ है लाइक दिस है ना एस डबल बॉन्ड ओ, तो डरना नहीं है भाई, ठीक है। ये सी एस थ्री हो गया, क्या समझोगे, ये इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, ये सीएल के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो तुमको क्या समझना है, ये टी एस सी एल है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया था बताओ, यहां से सीएल और यहां से एच निकल गया, ये कैसे जुड़ेगा बताओ, ये ऑक्सीजन तो है ही, ये ऑक्सीजन, अब यहां पे क्या हो गया, ये सीएल निकला, एच और सीएल निकलेगा, यहां पे क्या आएगा, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो गया, दिस इज बेंजीन, और ये हो गया क्या, सी एस थ्री, बात समझ में आ रही है। तो ये एक्चुअली बेसिकली है क्या, यहां से देखो इसको ऐसे भी लिखेंगे हम, ये हो गया मेरा ओ, ये ओ, और ये जो पूरा ग्रुप होता है दिस इज, ये पूरा ग्रुप को क्या लिखोगे, टीएस। तो या तो इस फॉर्म में लिख दोगे, नहीं तो इस फॉर्म में लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, बोलो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यहां पे हमने ले लिया ओ एच, और यहां पे हमने ले लिया क्या, सी एस थ्री, एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है यू नो, ओके, तो एच और सी एल यहां से निकाल दोगे, ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, ओ एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया सी एस थ्री, और इसी को क्या समझना है, ये हो गया ओ, एंड दिस ग्रुप इज द क्या, सल्फोनाइल ग्रुप, मिथाइल सल्फोनेट हो जाएगा, दिस इज द एम एस, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते बताओ, मेसाइलेट बोलोगे, मेसिलेट या मेसाइलेट, वट एवर, ठीक है। दिस इज द टॉसिलेट, ये क्या हो गया, दिस इज टॉसिलेट, ओके, मतलब एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टॉसिलेट में कन्वर्ट हो रहा है बाय द रिएक्शंस विद TSCl, एंड टॉसिलेट जो ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे OTS आ रहा है, OTS क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, ये कैसे बनता है, टॉसिलेट का फॉर्मेशन कैसे बनता है, बात समझ में आ रही, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, मार्केट में इससे सस्ता रिएक्शन कोई नहीं मिलेगा तुमको, ट्रस्ट में, ओके। अब जरा देखो इसकी मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो मैकेनिज्म यार बहुत ही सिंपल है, कुछ सा भी ले लो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, OH ले लिया, बात समझ में आ रही, एक मैकेनिज्म ही दो दो बार लिख दूंगा, समझना है बहुत आसान है, जरा देखो यहाँ पे, ये ठीक है, हमने ये क्या लिया, ये टॉलिन ले लिया यहाँ पे, ये टॉलिन ले लिया, सी एस थ्री है, हियर एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, सी एल है, बात समझ में आ रही। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन के पास देखो यहाँ पे दो लोन पेयर होता है, ये सबको पता है, ओके, दिस पाई बॉन्ड इज ब्रेक, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके किसके ऊपर जाएगा बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, यू नो पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, तो ब्रेक कौन करेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक होकर पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर अटैक करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये हो गया ऑक्सीजन, ये एच है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये किससे जुड़ेगा, इस सल्फर के थ्रू जुड़ेगा, ये ओ माइनस हो गया, ठीक है। यहां पे हमने ऐसे ले लिया ऑक्सीजन, ये मेरा क्या था, ये बेंजीन वाला पार्ट है, ये सी एस थ्री हो गया, और यहां पे क्या है, सी एल है, बात समझ में आ रहा। अब जरा देखो क्या हो रहा है, सीएल एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सबको पता है, हेलाइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसको किक आउट करेगा, बाहर निकाल देगा, बात समझ में, किस फॉर्म में निकलेगा, ये सीएल माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर देखो क्या पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरे में क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो यहां से क्या निकल रहा है, माइनस एच सी एल निकल रहा है, और ये क्या बन गया बताओ, ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये यहां पे क्या लगा दोगे, टॉलीन, सी एच थ्री ग्रुप, बच्चे इसी को क्या, यही तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज द टॉसिलेट, और तुम इस पूरे पार्ट को टीएस लिख सकते हो, मतलब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन में इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो सिंपली समझ लेना कि दिस इज द टीएस सीएल, ठीक है, ओ टीएस, ठीक है। तो ओएच अभी पुअर लिविंग ग्रुप था, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, क्या बात समझ में आ रही है, जरा देखो मैकेनिज्म लिख लो, मैं इसको मिटाता हूं, क्या मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो मैं इसका एप्लीकेशन करवाता हूं, बात समझ में आ रही है, एप्लीकेशन करवाता हूं, देखो एक बार मैकेनिज्म मैं और भी लिख देता हूं यहां पे, परेशानी की जरूरत नहीं है। मान लो कि कोई मेरा इस टाइप से रिएक्शन है, देखो जरा, ठीक है, यहां पे मैंने क्या ले लिया, दिस इज ओ एच, ठीक है, यहां पे कुछ ऐसा लगा दिया,
और यहां पे मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा। क्वेश्चन जरा देखो किस तरीके से, जेई एडवांस क्या करता है, कुछ नहीं करता यार, रिएजेंट बस समझ में आ जाए ना, रिएजेंट कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रुप के ऊपर ध्यान नहीं देना। यहां पे मैं कुछ भी लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये OH का रिएक्शन है ना, मुझे फोकस कर क्या करना है, OH के ऊपर फोकस करना है। और ये क्या हो गया तुम्हारा CH3, मान लो ये है, और दूसरा यहां पे मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है, मैंने Nu- लगा दिया, ठीक है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे वैरी करेगा, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे बच्चे TACL आया, बात समझ में आ रही ना, तो अगर मैं देखो एक बार दोबारा से फिर से मैं एक बार मैकेनिज्म लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैंने लिखा 50% समझ में आया, इस बार क्या हुआ 100% हो जाएगा। जरा देखो मुझे रिएक्शंस लिखने में, मैकेनिज्म लिखने में आलस नहीं आता, जरा देखो यहाँ पे OH है, ये ग्रुप जैसा वैसा रहने दो, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा जरा देखो, ये क्या हो जाएगा H-O, यहाँ पे क्या था CH3, यहाँ पे क्या हो गया CL, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे, इसका लोन पेयर किसके ऊपर अटैक किया, बोलो फटाफट समझ में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच करवाओगे, हो जाती गलतियां यार, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखो, ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बेंजीन है, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये यहाँ पे क्या था ये, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन, ये क्या हो गया O-, यहाँ पे ये क्या है ये, और यहाँ पे क्या CL, और यहाँ पे क्या था एक रिंग अटैच्ड है, और यहाँ पे हो गया CH3। अब क्या करोगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा, CL- के फॉर्म में निकलेगा, बिकॉज जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, इस तरीके से निकल गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहां से H+ के फॉर्म में निकलेगा, ये CL- के फॉर्म में निकल गया, और ये बेसिकली क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे -HCl निकल गया, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या हो गया H-O, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने CH3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसा ग्रुप वैसा है। अब जरा एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि ये ऑक्सीजन अभी यहाँ पे क्या किसके ऊपर है, वेज के ऊपर है, तो ये भी वेज के ऊपर है, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखोगे जब भी TACL के साथ रिएक्शन करेगा, तो अगर वेज के ऊपर है तो वेज पे रहेगा, डैश पे तो डैश पे रहेगा, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक नहीं करेगा। अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट था ना, सेकेंड पॉइंट में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट OH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट OH को रिप्लेस नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, बिकॉज OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये सबसे पहले अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गया, ये ग्रुप मेरा कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, यहां पे क्या था बताओ, ये ऑक्सीजन है, फिर क्या हो गया मेरा, ये सल्फर है, यहां पे ये मेरा क्या लग गया CH3 लग गया, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है, बात समझ में आ रही है, तो अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, और ये बॉन्ड यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, बात समझ में आ रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा क्या, ये पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप तो निकल जाएगा, और यहां पे क्या चिपक जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, बट SN2 रिएक्शन आ रहा है, तो अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, किसके ऊपर है भाई, वेज के ऊपर, तो यहां पे आ जाएगा क्या, डैश के ऊपर आ जाएगा, मतलब इनवर्जन रिएक्शन हो जाएगा, ये जैसा था वही हो जाएगा, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। और बेसिकली रिएक्शन ऐसे ही पूछेगा, TACL है और कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पे डालेगा सेकंड पॉइंट में, और न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ग्रुप होता है, और इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप, OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, बट इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बच्चे चेंज नहीं होगा। अच्छे से देख लो, आंखें फाड़ के देख लो, देख लिया क्या। अब इसको मैं मिटाता हूं फटाफट, अब क्वेश्चन करवाता हूं फटाफट, एप्लीकेशन करवा देता हूं, ठीक है, टेंशन पालने वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पे, राइट। अब जरा देखो, मान लो कि मैं एक रिएक्शन लेता हूं लाइक दिस, ये OH है, और यहां पे डाला हुआ है क्या TACL डाला हुआ है, और दूसरा यहां पे हमने लिया हुआ क्या NaI, और यहां पे क्या है एसीटोन है, ये रिएक्शन से यहां पे पूछेगा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बात समझ में आए। तो जैसे TACL आ गया भाई दिमाग में, समझ जाओ OH पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS में कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, OTS होगा, पहला स्टेप में ये बनेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, OTS हो जाएगा, और सेकेंड पॉइंट में NaI है और एसीटोन है, I- आएगा, बोलो आई या ना,
बोलो कैसा रिएक्शन परफॉर्म होगा जी SN2, तो ये ग्रुप क्या करेगा, यहां से ये बाहर निकलेगा और ये यहां से पीछे से अटैक कर देगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहां पे बताओ, आई बनेगा, वेरी सिंपल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो यहां पे जरा मैंने इस तरीके से ले लिया, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पे मान लो हमने ये लगा दिया क्या वेज के ऊपर OH, ठीक है। अब यहां पे देखो हमने लिखा है TSCL, दूसरा हमने यहां पे लिख दिया क्या NAI एसीटोन फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। तो ये OH जो है सबसे पहले बच्चे किसके साथ रिएक्शन करेगा बोलो, TSCL के साथ रिएक्शन करेगा, TSCL, CL और H यहां से बाहर निकलेगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, यहां पे क्या आएगा OTS आएगा, बात समझ में आ रहा। पर NAI अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, OTS क्या हो गया एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, तो ये आराम से बड़े आराम से यहां से निकलेगा और आई माइनस बैक साइड से अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा SN2, बिकॉज NAI है ना कंडीशन SN1 SN2 का, आई माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा और SN2 में क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, इन्वर्जन होता है। तो अब यहाँ पे आई कहां पे आ जाएगा बताओ, डैश पे आ जाएगा बताओ, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही आसान है ना, फटाफट कॉपी कर लीजिए, मिटा दो इसको, समझ में आ रहा है ना, गुड, फटाफट देखो भाई हो जाएगा, टेंशन वेंशन मत पालना, ठीक है, ओके। अब जरा देखो, मान लो कि मैंने ऐसा ले लिया, यहां पे OH है, ठीक है, यहां पे मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, अब यहां पे क्या हो गया, मान लो बड़ा सा ग्रुप डाल दिया, एक बड़ा सा ग्रुप ऐसे डाल दिया है, तो जैसे अगर बड़ा ग्रुप आएगा आईआईटी वाला क्या करता है भाई बोलो, ग्रुप को बड़ा कर देता है, उससे डरना नहीं है भाई, ये कौन सा रिएक्शन आ गया बोलो, ये क्या है बताओ, TSCL है, दूसरे में क्या है, मान लो हमने यहां पर डाल दिया NaN3 डाल दिया, यू नो सोडियम अजाइड SN2 रिएक्शंस में यूज हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना है कि दिस इज TSCL और वो किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, OTS में, तो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन से ये भी डाला है तो तुम उसके जगह पे क्या TSCL अपना यूज कर लोगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, तो फर्स्ट स्टेप में बोलो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसे हो जाएगा ना, क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख लो, ये OH है, OH है, ठीक है ना, मतलब आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे थे किसमें, डायरेक्ट तुम OTS लिख सकते हो, ठीक है, इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और NaN3 से क्या आएगा, हजाइड आयन आता है N3 माइनस, ये यहां से निकलेगा और ये इसके ऊपर अटैक करके बच्चा प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर देगा बोलो, टेंशन नहीं है ना। अब बस स्टीरियो केमिस्ट्री क्या देखना है कि ये किस पे चला जाएगा बताओ, N3 इस पे चला जाएगा और ये जैसा था वैसा रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बात समझ में आ रही। दूसरा रिएक्शन देखो, जी वाला से बिल्कुल भी नहीं डरना, मान लो कि ऐसा रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, यहां पे हमने क्या लिया OH, ठीक है, यहां पे एथे लगा दिया OCS3, ठीक है, बेंजीन है, यहां पे लगा दिया CS3, यहां पे लगा दिया OH, ठीक है, अब यहां पे डाल दिया क्या, यहां पे डाल दिया S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड OCl, यहां पे क्या था, यहां पे है CS3, और दूसरे में डाल दिया क्या, फर्स्ट है, दूसरा यहां पे हमने लिया PHSNA, ये है। अब सोचोगे भाई इतना विकराल रिएक्शन से, बड़ा रिएक्शन से क्या डर जाओगे क्या, जेई एडवांस वाले, जेई वाले क्या तुमको पपलू बनाने की कोशिश करेंगे, ये कितना भी बड़ा कर दे, मैं बार बार बोलता हूं ये कितना भी बड़ा कर दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको क्या पकड़ना है कि ये रिएजेंट कौन सा है, ये रिएजेंट TSCL है और ये OH है, फटाक से समझ जाओगे यार ये क्या है, टॉसिलेशन ऑफ अल्कोहल है, फटाक से यहाँ पे बताओ क्या OTS आ जाएगा बोलो, हाँ या ना, तो फटाक से अगर बनाओगे यहाँ पे देखो क्या करोगे, कुछ भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, यहाँ पे OCS3 था, जैसा है वैसा हो जाएगा, मुझे इनको छेड़ना नहीं है, ये OH हो गया। अब यहाँ पे देखो ये किस में चेंज हो गया बताओ, OTS, ये जो पूरा बड़ा सा ग्रुप है उसको मैं OTS लिख दिया सिंपली, बिकॉज TS के जगह पे क्या आ जाएगा, दिस इज द टॉलिन सल्फोनाइल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो बताओ, PHSNA है ना, ये प्लस में और ये माइनस में है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा मेरा, PHS माइनस आएगा बोलो, माइनस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बस यहां पे क्या हो जाएगा, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री अलग हो जाएगा, मतलब ये किस पे आ जाएगा, डैश पे है तो वेज के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे SPH लग जाएगा, बाकी जैसा है वो क्या वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी डालने की कोशिश मत करो, जैसा था हमने क्या कर दिया वैसा ही बना दिया, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, यहाँ पे OCS3, सो दिस इज योर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बोलो।
मुश्किल लग रहा है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस रिएजेंट के ऊपर फोकस करना है, कैसे करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। दूसरा जरा देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, क्या कुछ कुछ क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया यहां पे लाइक दिस। ओ एच हेयर राइट, दूसरा यहां पे इस तरीके से है, यहां पे मैंने डाल दिया फर्स्ट टी एस सी एल और दूसरा डाल दिया क्या एन ए सी एल। बात समझ में आ रही है? एनएसीएन मान लो, एनएसीएन डाल दिया, क्या कर लोगे क्वेश्चन? ठीक है, फर्स्ट दूसरा ओएच हियर सी टू एच फाइव, फर्स्ट में हमने यहां पे ले लिया क्या बोलो एस डबल बॉन्ड ओ, हियर सी एच थ्री एंड नाउ सी एल। क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा बोलो, पकड़ लोगे क्वेश्चन? यहां पे हमने डाल दिया एन ए एन थ्री। ठीक है, तीसरा 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 अगर मैं ले लू सी एच थ्री सी टू एच फाइव बी आर ओ एच राइट एच एच फर्स्ट टी एस सी एल दूसरा पी एच एस एन ए। ठीक है, और यहां पे हमने डीएमएफ लाइब्रिक ऐसा डाल लिया। क्या क्वेश्चन कर लोगे बोलो, फटाफट बना लोगे? कोई परेशानी तो नहीं है, जल्दी जल्दी से बनाओ। अब जरा देखो इसमें हो जाएगा ना, टी एस है, सबसे पहले इसको क्या करोगे, वीडियो रोको और पहले बनाओ, कोशिश करो, सीखोगे तभी ना, नहीं सीखोगे मैं हूं ना, टेंशन क्यों पाल रहे हो? जरा देखो बड़े आराम से पहले बनाओ, बनाओ इसको, बना लो। देखो सबसे पहले यहां से क्या हो रहा है, देखो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, सब कुछ जैसा वैसा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ओटीएस में चेंज हो जाएगा। देखो ये यहां पे क्या हो गया, ओटीएस सेम है जैसा वैसा है। अब यहां पे क्या सी एन माइनस बोलो, तो क्या होगा एस एन टू रिएक्शन परफॉर्म करेगा। देखो कितना आसान से हो जाएगा ये, दिस वन ये किस पे आ जाएगा सी एन, और ये जैसा वैसा ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां से फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये एच और सी एल निकल जाएगा, बोलो आया ना। तो यहां पे इसको अगर बनाओगे ये कैसा बन जाएगा बच्चे, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां पे किस में चेंज होगा ओ, और ये सी एल हटा के ये इस टाइप से आ जाएगा एच डबल वन ओ, और ये क्या हो गया सी एच थ्री, यहाँ पे क्या था सी टू एच फाइव, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे क्या आएगा एन थ्री माइनस अजाइड आएगा, यहाँ पे एन थ्री माइनस ये यहां से निकलेगा और ये क्या करेगा बताओ, इसको पीछे से अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा लाइक दिस। बहुत मुश्किल है, ये किस पे डैश पे है, तो अब यहां पे जो एन थ्री आएगा वो किस पे आएगा, वेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो जैसा था वैसा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कर लोगे ना? ऊपर वाला मिटा दो, इसको देखो अगर बनाना है तो सबसे पहले टी एस सी एल देखोगे, यहां पे ओएच का रिएक्शन है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये सी एच थ्री है, ये सी टू एच फाइव है, ये ओटीएस में चेंज होगा, ये बी आर अपनी जगह पे एच और एच। अब यहां पे क्या आएगा, यही आएगा ना एस पी एच आ जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल डीएमएफ भी है, एस एन टू रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा एस पी एच लग जाएगा, लेकिन एस एन टू है तो इन्वर्जन हो जाएगा, कहां से ये पीछे से अटैक करेगा, एच इधर पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ सी एच थ्री, ये बी आर अपनी जगह पे है, ये एच अपनी जगह पे है, और यहां पे क्या लग जाएगा बताओ एस पी एच आ जाएगा, यहां पे एस पी एच लग जाएगा और यहां पे एच आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या रहेगा सी टू एच फाइव। तो सिर्फ देखो यहाँ पे इन्वर्जन है, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ रहा है क्या बताओ, ओएच एक पुअर लिविंग ग्रुप है, उसकी जगह पे हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो This is right here OH, here H, okay? अब यहां पे first reaction is the TSCL and second one कुछ भी आप डाल सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यहां पे कुछ भी ले लो, NaCl ले लो। ठीक है, तो रिएक्शन देखते ही समझ में आना चाहिए क्या बनेगा, यहां पे बताओ ACl H हटेगा, यहां पे OTS आ जाएगा,
आएगा नहीं आएगा बोलो, तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बट अभी दिमाग में रखोगे ओटीएस और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो रहा है, पहला कोई चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सी एन माइनस आयन आएगा, ये अपनी जगह पे ग्रुप अटैच है। अब जरा देखो सी एन माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एस एन टू रिएक्शन को फॉलो करेगा, यहाँ पे एस था ना, तो अब जरा एस एन टू को फॉलो करेगा, तो ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा और ये क्या करेगा बताओ, इसको पीछे से अटैक करेगा, तो जब पीछे से अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अभी देखो इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, तो हाइड्रोजन का पोजीशन किस पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल से एक्सियल पे चला जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बस स्टीरियो केमिस्ट्री से ही मतलब है, ये किस पे आएगा, एच यहाँ पे चला जाएगा और जो साइनाइड है वो यहाँ पे आ जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर्स हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही, मिटा दो इसको, समझ में आ गया, ओके ओके। तो बच्चे क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है यार, प्लीज लाइक कर देना, बात समझ में आ रही है। एक और मैं दूसरा रिएक्शन ले लूं, कुछ भी ले लूं यहां पे, ठीक है, देखो एक रिएक्शन ये लेता हूं, हियर एक रिएक्शन तुम्हारा ये हो गया, ये है यहां पे हमने OH लगा दिया, ठीक है, यहां पे एक ग्रुप लगा दिया, इस पे ऐसा लगा दिया, बात समझ में आ रही। अब यहां पे फर्स्ट रिएक्शन वही क्या ले लू मैं यहां पे, दिस इज सी एस थ्री, अब देखो एस ओ टू है ना, सीएल के भी फॉर्म में लिख सकता है, मैंने बताया था एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, अब इसको एस ओ टू सीएल के भी फॉर्म में लिख सकता है, और दूसरे यहां पे डाल दिया क्या, सी एस थ्री एस एच लिख दिया, बात समझ में आ रही। अब जरा देखो पहला तो क्या हो जाएगा, आंख बंद करके आप क्या करोगे, ये तो बन जाएगा ना, आप तो रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, बोलो ये है, तो यहां पे क्या लग जाएगा बताओ, यहां पे क्या आएगा, ओटीएस आ जाएगा, यहां पे ये क्या ऐसे है और यहां पे एक ऐसे बना दिया, इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब यहां पे क्या करेगा बताओ, सी एस थ्री एस एच है, तो सी एस थ्री एस एच एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, बोला था ना कि अगर मान लो वहां पे एस एच माइनस होता, तो एस एच माइनस क्या होता है बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट दिस इज द न्यूट्रल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है बताओ, एसएन वन रिएक्शंस को फेवर करता है, और जैसे एसएन वन रिएक्शंस आ गया, दिस कार्बन इज काइरल, दिस कार्बन इज काइरल, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, रेसेमिक मिक्सचर, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बताओ, 50% किसके ऊपर चला जाएगा, 50% किसके ऊपर जाएगा, 50% तो ये जो आएगा यहां से जो एस सी एस थ्री आएगा वो क्या वेज, अभी वेज है तो वेज पे रहेगा, बोलो समझ में आ रहा है बात, ये ऐसे हो गया, और 50% जो आएगा वो डैश पे जाएगा, तभी तो बनेगा रेसिमिक मिक्सचर, हाँ या ना बोलो बोलो। तो अब यहां पे एक क्या आएगा, एस सी एस थ्री, ये किस पे चला गया बताओ, डैश पे, तो जब ये किस पे आ जाएगा, ये इस पे किस पे आएगा, सॉरी ये किस पे आएगा, यहाँ पे ये वेज पे आ जाएगा, और ये ग्रुप ऐसे रहेगा, तो ये दोनों फॉर्म क्या कर देगा जरा बताओ, ये रेसमिक मिक्सर टाइप का बना देगा, बात समझ में आ रही, अगर कोई कायरल सेंटर है तो, मान लो ये कायरल कार्बन था ना, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये यहाँ पे दोनों क्या फॉर्म करेगा बताओ, रेसमिक मिक्सर का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बच्चे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बताओ, कब एसएन वन जाएगा और कब एसएन टू जाएगा, पहले अल्कोहल कन्वर्ट होगा ओटीएस में, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो एसएन वन को फॉलो करेगा, और अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसको फॉलो कर लेगा, एसएन टू रिएक्शन को फॉलो कर लेगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दो इसको। देखो एक सिंपल सा एक रिएक्शन ले रहा हूं, बात समझ में आ रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, क्या प्रोडक्ट होगा इसका, राइट right? तो हमने यहां पे लिया OH एंड हियर CH3, इसका रिएक्शन करवाया हुआ है TOSCl, एक ही बात है, या तो TSCl लिख दे, नहीं तो TOSCl, दैट इज द टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या बात समझ में आ रही है बोलो। और यहां पे कुछ भी एक बेस लगा दिया है, पिरिडीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस की भी प्रेजेंस में होता है। अब यहां पे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, एक ऑप्शन है यहां पे ओ टीओ एस सी एस थ्री,
दूसरा ऑप्शन है ओटीओएस सीएस3, तीसरा ओटीओएस सीएस3 एंड चौथा कौन सा आंसर हो जाएगा जरा बताओ तो, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आप जरा देख लो, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दिख रहा है ना आप क्या टीएससीएल है, ये हट करके क्या पे आ जाएगा बताओ, टीओएस आ जाएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन उसका सेम रहेगा, वेज पे है तो वेज पे रहेगा और डैश है तो डैश पे रहेगा। देखो किसमें राइट ऑप्शन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो राइट ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बच्चे समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया ये टॉसिलेशन ऑफ एल्कोहल और मेसिलेट, जब क्या होगा मिथाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करवाओगे तो मेसिलेट बनेगा, दैट इज द क्या ओएमएस, सेम ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को फॉलो करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, मिटा दूं इसको, बिल्कुल समझ में आ गया ये रिएक्शंस, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ये रिएक्शन समझ में आ गया। यहां पे जैसे मान लो हमने ये OH ले लिया, ठीक है, सेकेंड वन इज द TSCL लास्ट रिएक्शंस, ओके बात समझ में आ रही है। अब यहां पे कोई सा भी अगर तुम वीक न्यूक्लियोफाइल अगेन ले लेते हो, बात समझ में आ रही ना, क्या ले लोगे वीक न्यूक्लियोफाइल, मान लो हमने यहां पे CH3OH ले लिया, बात समझ में आ रही है, तो सबसे पहले ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बन जाएगा, ये OTS आएगा, OTS, और अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 रिएक्शंस को फॉलो करेगा, बात समझ में आ रही है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, एक तो बिल्कुल जिसपे उस पर आ जाएगा OCH3 प्लस क्या आ जाएगा, ये एक पलट गया, दूसरा क्या आ जाएगा सेम पे आ जाएगा OCH3, और दोनों ये क्या हो जाएगा बताओ, रस में मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या अच्छे से बात समझ में आ रही, कब SN1 होगा कब SN2 हो गया, टॉसिलेशन ऑफ एल्कोहल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज क्या करो यार, लाइक कर देना, थैंक यू वेरी मच।